दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं हरे धनिया के पत्ते के बारे में हरे धनिया के पत्ते के सेवन से क्या क्या फ़ायदा होता है और इसका नुकसान क्या क्या है क्या इसका सेवन से आपका बाल झड़ना रुकता है अगर रुकता है तो कैसे इसका सेवन करें तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हरे धनिया के पत्ते ज़्यादातर रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इससे स्वाद तो दोगुना होता ही है इसके साथ साथ काफ़ी कम लोगों को पता होगा इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारी शरीर मजबूत होती है इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर कई तरह की मिनरल कैल्शियम आयरन थियामिन और पोटासियम रहते हैं इसके अलावा इसमें विटामिन सी फॉस्फोरस और कैरोटीन रहते हैं तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में दोस्तों हरी धनिया के पत्ते पेट के लिए अमृत समान होते हैं इसके सेवन से पाचन तंत्र और लिभार मजबूत होते हैं इसके साथ ही साथ पेट दर्द बदहजमी गैस जैसी बीमारी के लिए एक कारगर साबित होता है ताजी हरी धनिया पत्ते को छाछ के साथ मिलाकर पीने से बदहजमी गैस ओलाइटिस में राहत मिलती है दोस्तों हरी धनिया के पत्ते थायरॉयड की बीमारी के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं आजकल थाइरॉयड की बीमारी दुनिया भर में परेशानी की सबब बन चुकी है ये बीमारी पुरुषों से ज़्यादा महिला में ज़्यादा दिखी जाती है अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें इससे आपका असंतुलित हार्मोन संतुलित होता है दोस्तों डायबिटीज़ के बीमारी के लिए भी हरी धनिया के पत्ते बेहद अच्छे होते हैं हरी धनिया के पत्ते आपका मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर शुगर का स्तर को तेज़ी से नीचे करता है अगर किसी को डायबिटीज़ का बीमारी है तो इसका जरूर सेवन करें रात को इसको भिगो के रख दें और सुबह को इसको छाँक कर पी ले अर्थराइटिस के बीमारी के लिए भी हरी धनिया के पत्ते बेहद काम आते हैं दोस्तों उम्र के साथ साथ जोड़ों की दर्द की शिकायत होने लगते हैं और इस धनिया पत्ते में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जिसके वजह से गठिया जैसे बीमारी का असर कम होने लगता है दोस्तों हरी धनिया के पत्ते मासिक धर्म के लिए बेहद अच्छे होते हैं जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द और रक्तस्राव की शिकायत होती है उसको जरूर इसका सेवन करना चाहिए इससे ब्लीडिंग कंट्रोल होने के साथ साथ इसमें चा काफ़ी मात्रा में आयरन रहती है जिसकी वजह से शरीर में रक्त की मात्रा को भी बढ़ाती है आधा लीटर पानी में हरी धनिया के पत्ते और शक्कर मिलाकर इसको अच्छे से उबाले उसके बाद ठंडा होने से पी लें किडनी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है एक रिसर्च में पाया गया है किसी व्यक्ति अगर हर रोज हरी धनिया के पत्ते का सेवन करते हैं तो उसको किडनी का बीमारी होने का चांस ना के बराबर है बोंकाइटिस और आर्थराइटिस जैसे बीमारी में राहत देती है लंबे समय तक बोंकाइटिस और आर्थराइटिस की बीमारी में सुबह उठकर दो चम्मच ताज़ा धनिया पत्तर का रस का सेवन करें इससे बेहद फ़ायदा होते हैं दोस्तों आँखों के लिए हरी धनिया के पत्ते बेहद लाभदायक होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ए रहती है जो आँखों के लिए बेहद आवश्यक होती है इसके अलावा इसमें काफ़ी एंटी रहने की वजह से आँखों की सूजन को भी बरकरार रखती है दोस्तों थकान दूर करता है हरी धनिया के पत्ते अगर आपको थकान महसूस होता है या आपको चक्कर आती है तब तो आप दो चम्मच ताज़ा धनिया पत्तर के रस और 10 ग्राम मिश्री के साथ आधा कटोरी पानी मिलाकर इसको सुबह और शाम पी सकते हैं इससे बेहद लाभ होती है स्किन का समस्या को दूर करते हैं दोस्तों हरी धनिया के पत्ते के सेवन से आपको ड्राई स्किन टेनिंग जैसे स्किन की बीमारी में राहत मिलती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा एंटी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जिससे स्किन को लाभ पहुंचता है दोस्तों तो हरी धनिया के पत्ते बाल झड़ने से रोकता है क्योंकि इसमें कई सारे आवश्यक विटामिनस और प्रोटीन रहते हैं जिसके वजह से बालों की ग्रोथ को बरकरार रखता है इसके अलावा बाल झड़ने से भी रोकता है हरी धनिया के पत्ते के रस को बालों में लगाकर आध घंटा बाद इसको अच्छे से धो ले इससे बाल झड़ना काफ़ी कम हो जाता है दोस्त तो अब चलिए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में इसके कई सारे फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके ज़्यादा मात्रा में सेवन से आपके एलर्जी जैसे बीमारी हो सकती है और इसका असर स्किन इन्फेक्शन के रूप में निकलती है प्रेग्नेंट महिला इसके ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करे क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है तो आज के लिए यहीं तक अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे धन्यवाद